तबीज का इंकार, रसूल की रसालत का इंकार करा, उनकी हदीस का इंकार करा, पटक दूंगा। अरे पटकूंगा, सीधा हो जाएगा अभी, और मैं तो बुलाता हूँ पुलिस, उठा के ले जाएगी तुमको। नहीं नहीं, ये जो इनकार कर रहे हैं हदीस का, अरे डायरेक्ट इनकार कर रहा हदीस का, उनके हदीस से कोई इनकार नहीं कर रहा। तो तुम्हारे पास क्या दलील है कि वो आसमान से नहीं आएंगे, वो बताओ जरा। तुम्हारे पास क्या दलील कि आसमान से ही आएंगे? हमारे संजू रुमाल की रिवायत क्या है? संजू रुमाल की रिवायत को क्या समझते हैं? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा दवाई दे रहा हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। गवाही दे रहा हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई रसूल नहीं है जो आने वाला है, सिवा उनके अब कोई रसूल नहीं आएगा, अल्लाह के रसूल। ठीक, एक बात बताओ, सहाबा के बारे में अहले तशा ने जो गुमराही के अल्फाज इस्तेमाल किए, तबर्रा किए, तो उनको बदमजहब हम कहते हैं या नहीं कहते हैं? आप जो है हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जब वहां के तमाम परेशान करने वाले कुफार ने आपको मारने की कोशिश की, रब्बे जुल्जलाल ने उनको ऊपर उठा लिया। अब जब ऊपर उठा लिया तो कुर्बे कयामत वो तशरीफ लाएंगे शाम में, तो शाम क्या ये मकाम नहीं है कि दरभंगा का मकाम है जहां से ये आ रहा है? ये कहां से आपने साबित कर दिया कि दरभंगा वाला जो है वो शाम में आ रहा है? कहां नाजिल हुआ, कहां नाजिल हुआ, या ठहरा ही? चल तुम्हारी बात मान लिए, वो शाम में आएंगे तो ये बिहार में कहां पैदा हो गया? देखिए भाई, मैं मानता हूँ, तू मान, आप नहीं मानते, ठीक। पहले बात सुनिए गौर से, हिसाब किताब लेने वाला कौन? नहीं, नहीं कर रहा हूँ साफ बात, नबी का भी इकरार कर रहा हूँ, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, अल्लाह के रसूल के अलावा तो उसके बाद कोई नबी आने अच्छा, नहीं। आले तशा को फिर क्या मानते हो तुम? आले तशा को क्या मानते हो? जो बात बोल रहा हूँ सुनिए, आले तशा को क्या मानते हो? मेरी बात, सहाबा के बारे में उसने गलत बात की, आखिरत में किसके ऊपर सवाल जवाब होने वाले की? आले तशा ने, आले तशा ने, सुनिए सुनिए मेरी बात, कल आखिरत में किसके ऊपर सवाल जवाब होगा? एक अल्लाह की इबादत किया या नहीं किया, सवाल है कि नहीं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माना या नहीं माना, इसके ऊपर ही है ना। उसके बाद लोगों ने क्या इख्तलाफ किया, क्या ही नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सवाल अपने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आप हदीस को मानते हो? मानते हैं, मानते हो? मानते हो? मानते हैं। अच्छा, अस्हाबी का नुजूम फबिमा इख्तदैतुम इहतदैतुम, हमारे सहाबा वो सितारों के मिसल हैं, इनमें से जिस किसी की भी तुम इत्तबा करोगे, इख्तदा करोगे, हिदायत पर रहोगे। आपने जब, अब चूंकि अहले तशा इनको नहीं मानते, हम उन्हें गुमराह कहते हैं, हजरत ईसा अलैहि सलाम के बारे में कुरान नस सरी है, बर रफाउल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला जल मजलहू ने उठा लिया उन्हें आसमान पर, और फिर वो कुर्बे कयामत शाम में भेजे जाएंगे मीनार, जामे मस्जिद के मीनारे पर, आप या उसके बाजू पर, चलो चलो बाजू ही पर कह लो। अरे तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते? एक मिनट, तुम्हारी बात मान लिया, तुम्हारी बात मान लिया, सुन 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 सुनिए नहीं सुनेगा, इसके घर में है हमारे घर का, सुन पहले, ज्यादा बकवास मत कर, बकराती कर रहा है। नहीं नहीं, मेहंदी का नाम देख क्या रहा है मुझे? बोला ना, एक मिनट, मेहंदी का नाम क्या होगा जो आएंगे उनका नाम क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उनके वालिद का नाम मेरे नाम पर होगा। बिल्कुल, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल महदी, ये लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल के अल्फाज नहीं है। किस लोगों ने कहा? मतलब लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल क्या फरमाते, उसका नाम मेरे नाम के मुशाबियत होगा, और उसके उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम मुशाबियत होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अगर साफ साफ अल्फाज होता ना मेरे भाई, देखो मोटा मोटा पहले बात समझिए, ठीक है? ठीक है, समझाइए जी, समझाइए, मजाक उड़ाना कुछ नहीं करना, सब आसान चीज होती है, मैं बताऊँ, ठीक है? वो फातिमी उड़ नसल, देखिए मुझे भी अल्लाह का डर, आपसे भी अल्लाह का डर, मुझसे भी हिसाब में रब्बुल आलमीन, एक अल्लाह लेने वाला है, आप सबसे भी लेने वाला है, एक अल्लाह ही, बिल्कुल कोई बचने वाला नहीं यहाँ पर, और जानू उसके तैयार है जो झुटलाने वाला है। हाँ, बिल्कुल साफ बात, हाँ, जो झुटला दिया वो सीधा कहाँ जाएगा जानू? आखिरत की जो जिंदगी है वो हमेशा हमेशा वाली है। कैसी है? हमेशा वाली, सुनिए इतना सुनिए, हमेशा हमेशा वाली है, चाहे वो जन्नत जाए चाहे वो जहन्नम जाए। इख्तियार अल्लाह पाक ने इंसानियत के अंदर रखा है कि मैं हिदायत तुम्हारी तरफ भेजूंगा, सीधा रास्ता भी उल्टा रास्ता भी, चुनने वाला इंसान सही है गलत है। तमाम अंबिया की उम्मतों को अल्लाह ने आजमाया, कुरान के अंदर जिक्र है, हर एक को आजमाया ना। पहले बात सुनिए, पूरी तकरीर मत कर,
वो जवाब दो, सुन रहे हो, बोल रहा हूँ पूरी तकरीर मत कर, उसकी बात कर। मारेंगे भी अभी वो थोड़ा, लेकिन पूरा जवाब पूरी तकरीर कर रहा है, मारो मत दिखा रहा है, मारो मत, मगर आग दिखा रहा है। फातिमी उन नस्ल है, वो जो आएंगे वो फातिमा मेरे नाम पर उनका नाम होगा, मेरे बाप के नाम पर उनके बाप का नाम होगा, ये सरकार ने बताया। तो नबी का नाम मोहम्मद या अहमद ही तो है, क्या नाम उनके बाप का नाम अब्दुल्ला ही तो है। तो अगर दूसरे किसी ने सहाबी ने कहा कि वो मोहम्मद, अरबी लफ्ज जानता हूँ, वहाँ लफ्ज मुशाबहत का कहाँ आ गया? मुशाबे होगा जैसे नजला इंजिनों में तू पकड़ रहा है, इसमें मुशाबहत कहाँ आ गई बता? देखो भाई सीधी सीधी बात है, आप जो मान रहे हो वो आप मान, आपको नहीं समझ में आ रहा अगर वो